राम मांगवाली, पोस्ट करकवाली थाना मनसुखपुरा का मूल निवासी हूँ। अनुसूचित जाति से बिलोंग्स करता हूँ। मैं अपने घर पर बैठा था, घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था तो उधर से तीन व्यक्ति निकले। उनमें एक ओम नरेश तोमर, दूसरा प्रमोद पंडित और एक व्यक्ति उनके साथ में अनजान था, उसे मैं जानता नहीं हूँ। तो क्या कहते, वो जब मेरे घर के सामने से निकले तो मैं कुर्सी पर बैठा था, वो लोग बोले मेरे से कि साले तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं है, बहन जो ढेड़, तू हमारे सामने कुर्सी पर बैठा है, तूने नमस्कार तक नहीं किया हमारे को, साले चमारो कि तुम वहीं की वहीं रहोगे। मैंने उस बात पर बोला उनको कि भाइयों, मैं आपके घर पर जाके कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ, मैं अपने दरवाजे पर ही बैठा हूँ। तो इतनी कहते ही ओम नरेश बोला कि तुम लोग बहन जो ऐसे सुधरोगे नहीं। तो उसने मेरा गला पकड़ के चला दिया। मैं अपना कोई कदम उठाता तो दूसरे आदमी ने डंडे से मेरे को पीटना चालू भी किया और तीसरा आदमी भी मार पीट करने लग गए। तो शोर सुनने पर मेरे बहनें भी घर से निकल के बाहर आए, उन्होंने कहा भैया ये कैसा शोर शराबा है। तो वहाँ पे गाली गलौज भी कर रहे थे और काफ़ी मारपीट की। तो उन्होंने बीच बचाव किया, उनके भी थप्पड़ मारे और क्या कहते, उनको धक्का मारे के और दोबारा से फिर पिटाई करना चालू की। बहुत बुरी तरह मेरे चोटें आई हुई हैं। उसके बावजूद मैं थाने गया, 100 नंबर पर कॉल भी किया, एसओ साहब मौके पर नहीं मिले। थाने में दरोगा जी मनोज कुमार जी मिले, उनको मैंने अपनी तहरीर दी लिखित में। मैंने कहा मुझे मेडिकल के लिए आप कोई ऐसा कागज़ दे दें जिससे मैं अपना मेडिकल करवाऊँ। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकदमे डेली आते जाते रहते हैं, तू ज़्यादा बकवास कर रहा है, मेरे को 40 साल नौकरी करते हुए हो गए। क्या नाम था दरोगा जी का? दरोगा जी का नाम था मनोज कुमार। अच्छा। और वैसे भी वो नेम प्लेट नहीं लगाए हुए थे, कच्छा और बनियान में थे। अच्छा। थाने के अंदर जैसे कि अपने घर के अंदर आदमी घूमता उस तरीके से दरोगा जी मनोज कुमार जी थे। अच्छा अच्छा। पतले पतले से थे। तो मैंने दूसरे आदमी से पूछा, मैंने ये कौन है कि ये मनोज कुमार दरोगा जी है। तो तुमने अपनी चोट वोट दिखाई? मैंने चोट दिखाई थी साहब। दिखाओ चोट कहाँ है? चोट है बहुत आई है। दिखाओ। देखो चोट तो है लेकिन इसमें साफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये कल इनको सुबह 9:30 बजे के लगभग इनको पीटा गया है, तो पूरा एक दिन निकल गया। लाल लाल से पड़ रहे हैं, ये देखिए ये निशान, ये हैं, ये रहे, ये लाल लाल से पड़ रहे हैं लेकिन इसमें क्लियर नहीं आ रहे हैं। भाइयों, राम बिहारी के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है और हमारे इनको जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां भी दी गई हैं, भेड़ चमार कहा गया है और कहा गया है कि आप गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, आप लोगों की औकात क्या बढ़ गई, आप लोगों पढ़ लिख गया गए, नौकरी क्या लग गई, साली औकातें बढ़ गई आप लोगों की। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए भैया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राम बिहारी को न्याय दिलवाएं। मैं इतना भयभीत हूँ कि मेरे बच्चे भी घर पर नहीं रह रहे हैं डर के मारे, और हमारी समाज की इतनी औकात नहीं है कि उन लोगों के सामने कोई बोल भी जाए। भैया जाति से जाटव हैं ये, तो इनका ज़रा इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करें और इसको सहयोग करें आगे बढ़ाने में। धन्यवाद।